नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और अभी मौजूद हूँ जयपुर रोड सीकर गोरिया स्टैंड पर। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा पंडाल लगा है, टेंट वगैरह लगाया जा रहा है, तैयारियां आखिरी स्तर पर की जा रही हैं और यहां इसी जगह पे कल जो पूरे देश भर में एक बाबा चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनका दिव्य दरबार यहाँ लगना है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगी इधर दिखा दें कि ये जयपुर रोड है, गोरिया जो स्टॉप है उसके पास ये कहारों की डाणी है। अगर जो भी लोग यहाँ आना चाहें तो कहारों की डाणी अगर आप मैप पे लगाएंगे तो इस जगह तक पहुँच सकते हैं। कल सुबह 9 बजे, जैसा बताया जा रहा है, 9 बजे बाबा बागेश्वर जो हैं वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर तारपुरा हवाई पट्टी पर अपने चार्टर प्लेन से लैंड करेंगे, वहाँ से रोड शो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे। और आपको साथ ही बताता चलूँ कि ये बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राजस्थान में पहला प्रोग्राम है, सीकर वो आ रहे हैं। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता है और देश भर में, कुछ दिनों पहले देखा गया कि बिहार में कंट्रोवर्सी भी उनके आगमन पर हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से दरबार, जो दिव्य दरबार है वो लगाया था, तो उसको लेकर एक धड़ा है वो विरोध कर रहा था, तो वहीं एक धड़ा है वो उनके पक्ष में था, काफ़ी चर्चाओं का वो विषय रहा। वैसा ही कुछ दिव्य दरबार यहाँ लगने वाला है, लेकिन साथ ही बात एक ये भी है कि ये दिव्य दरबार सिर्फ एक दिन के लिए लगेगा। कल सुबह 9 बजे बाबा बागेश्वर आने के बाद यहाँ कुछ घंटों के लिए रुकेंगे और तब यहाँ लोगों के जो पर्चे बाबा बागेश्वर बनाते हैं वो पर्चे भी शायद बनाएंगे और लोगों के जो अतीत और भविष्य की जो चीज़ें हैं वो भी शायद वो बताएं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी से कहूँ कि दिखा दें कि जिस तरीके से जो आयोजन समिति है उसका दावा है कि 5 लाख के लगभग श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो पंडाल लगाया गया है वो कितने लोगों के लिए और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वाकई 5 लाख लोग इस पंडाल में और इस दिव्य दरबार में पहुँचेंगे। कल ये तो जब पंडाल में लोग आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब भी की अगर बात करें तो मेरे सहयोगी से कहूँ सामने दिखाएं कि कुछ श्रद्धालु हैं जो अभी आके और यहाँ पे बैठ चुके हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और यहाँ के बारे में एक ये भी चीज़ कही गई थी कि यहाँ पे ना तो कोई VIP होगा, यहाँ सिर्फ एक चीज़ है कि जो भी आएगा पहले आओ और पहले अपना स्थान पाओ, उस तरज पे बाबा के दर्शन वो लोग कर पाएंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, लोग इसी वजह से अभी जल्दी ही, मतलब अब शाम का जो टाइम है तभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। तो जिस तरीके से पूरी तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पे अभी भी पहुंच गए हैं, क्योंकि एक बात है कि जिस तरीके से भीड़ का आकलन किया जा रहा है तो लोगों को लगता है कि अगर अब भी जाके हम वहां पे नहीं बैठे तो शायद वो नज़दीकता है वो हम नहीं देख सकेंगे नज़दीक से। पीछे की तरफ आप देखोगे कि पूरा कोई भी आयोजन हो, अध्यात्म हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उसमें अगर भगवान का नाम लिखा झंडा नहीं लहरा रहा हो तो वो कुछ फीका सा हो जाता है। तो उसी तरीके से जो झंडे हैं उनको भी लकड़ियों में बांध के और पूरी तैयारी की जा रही है। पूरे पंडाल में अगर मैं मेरे सहयोगी से कहूँ दिखाएं, ये हर जो पोल है उस पर झंडे वगैरह लगाए गए हैं और पूरा एक तरीके से ये जो पूरा माहौल है उस तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है। कोशिश हमारी लगातार ये रहेगी कि कल जब ये आयोजन शुरू हो तो यहाँ आने वाले लोगों से भी बात करें, बाबा बागेश्वर सीकर के लोगों के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए क्या कहते हैं उस बारे में भी आप तक वो पूरी खबर पहुंचाएं। तो मिलते हैं कल जब ये दिव्य दरबार सजेगा और यहाँ लोग अपनी पीड़ा लेकर जो पहुंचेंगे उनके लिए बाबा किस तरीके से पर्चा बनाते हैं, उनके लिए क्या समाधान करते हैं और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। मिलेंगे कल, धन्यवाद।